नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों हर शनिवार को शाम 7 बजे हम आपसे लाइव जुड़ते हैं यूट्यूब पर। आपके मन में जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप सीधे हमसे हर शनिवार को शाम 7 बजे अपने जो भी कार हैं उससे संबंधित सवाल को जरूर पूछ सकते हैं और उसका निदान और उसकी चिकित्सा के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी व्रण, यानी कि PNS, जो पाइलोनरल साइनस होता है, और जो नाड़ी व्रण में जो दूसरा रोग होता है भगंदर, फिस्टुलाइन एनो। खासतौर से इसकी चिकित्सा जो क्षार सूत्र से होती है वो सबसे सफल होती है, यानी कि रिकरेंस के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, यानी कि लगभग मरीज इस विधि से, क्षार सूत्र विधि द्वारा नाड़ी व्रण में, भगंदर में, PNS में, पाइलोनरल साइनस में चिकित्सा सबसे बेस्ट होती है। इसकी चिकित्सा कराते समय, यानी कि नाड़ी व्रण की चिकित्सा जब होती है क्षार सूत्र विधि द्वारा, तो कभी पस निकलता है और कभी ब्लड निकलता है, कभी ब्लड मिश्रित पस निकलता है, कभी कभी क्लाटिंग लिए हुए जमे जमे थक्के जैसे ब्लड निकलते हैं। इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों, आखिर ब्लड, जो ब्लड की टेंडेंसी आती है नाड़ी व्रण में, PNS में, भगंदर में, जहाँ पर थ्रेडिंग होती है, क्षार सूत्र होती है, उसको हम किस रूप में लें, यानी कि उसमें ब्लड आने की जो संभावना होती है, जो ब्लीडिंग होती है, क्लाटिंग लिया हुआ ब्लड होता है, पस मिश्रित जो ब्लड आता है उसको हम किस प्रकार लें, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, पाइलोनिडल साइनस PNS, जो नाड़ी व्रण होता है, जो आपके जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके निचले हिस्से, यानी कि गुदा मार्ग से ऊपर की जो पीठ के लोअर पार्ट होता है वहाँ से जो नाड़ी व्रण बनता है उसमें, और भगंदर फिस्टुलाइन एनो, जो भगंदर होता है जो कनेक्ट होता है शौच के रास्ते से, इसमें जो चिकित्सा होती है क्षार सूत्र द्वारा, जो हर हफ्ते चेंज होती है, उसकी थ्रेडिंग होती है, उसकी ड्रेसिंग, क्षार सूत्र को, पुराने क्षार सूत्र को निकालते हैं, नए क्षार सूत्र को फिर से इंसर्ट करते हैं। ये प्रक्रिया जब चलती है दोस्तों वीकली 5 दिन 7 दिन पर चिकित्सक करते हैं। ऐसे स्थिति में इस प्रक्रिया में जब होता है तो पस ड्रेन होता है, पस ड्रेन आना स्वाभाविक। ऐसे में किसी किसी मरीजों में दोस्तों उसमें पस के साथ ब्लड भी आता है, पस के साथ जब ब्लड आता है तो किसी किसी मरीजों में क्लाटिंग लिए हुए केवल ब्लड ही आते हैं, थक्के नुमा ब्लड आते हैं, उसको हम किस रूप में लें। इस कंडीशन में दोस्तों जब भी वो क्षार सूत्र चेंज होता है, बदला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही ब्लड, वही जो ख़राब ब्लड होता है वो जब रुकता है तो एक पस फार्म के रूप में होता है, और कभी कभी वहाँ से जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी गुजरी रहती हैं, तो भी इरिटेट होती हैं, यानी कि रप्चर होती हैं, और क्षार सूत्र द्वारा वो भी कटती हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ से भी फ्रेश ब्लीडिंग होने की संभावनाएँ रहती हैं, तो उसको सकारात्मक लें। ऐसी स्थिति में आपको उस वहाँ पे, यानी कि ब्लड आने की संभावना से घबराना नहीं है, कितना ब्लड कहाँ से आ रहा है, और समझिए कि सब अशुद्ध रक्त है, और ख़ासतौर से वही अशुद्ध रक्त वहाँ पर आपके उस नाड़ी व्रण के, यानी कि PNS और फिस्टुला की कंडीशन में जब वही इकट्ठा होता है तो पस फार्म में कन्वर्ट हो जाता है, अधिकतर कंडीशन होता है। लेकिन इस प्रकार के जो ब्लड मिश्रित पस होते हैं या फ्रेश ब्लड होता है, क्लाटिंग लिए ब्लड होता है, जो हाई एनल फिस्टुला होता है या जो PNS का जो कैविटी युक्त जो व्रण होता है उसी में ये होता है। सामान्य सभी मरीजों में जरूरी नहीं है कि ये ब्लड आए या ब्लड मिश्रित पस आए, किसी किसी मरीजों में आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर इस प्रकार की कंडीशन आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, खासतौर से फिस्टुला की चिकित्सा करते समय और PNS की चिकित्सा करते समय, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं, स्थिर रहना है। आपकी जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप अपने जो ट्रीटेबल चिकित्सक हैं, यानी कि जो चिकित्सा कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे, उनके माध्यम से उनको अपनी चीज़ें बता करके उसकी चिकित्सा उसी हिसाब से जज करें और कराएँ। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो विषय था जो दोस्तों इस विषय पे वीडियो बनाने का, इसीलिए क्योंकि अधिकतर मरीज घबरा जाते हैं उस ब्लड को देख के। स्वाभाविक होता है, लाल रक्त कण है और आँखों को अच्छा नहीं लगता है, और वो भी अगर अपना रक्त है और उस तरीके से देखे जाने तो स्थिति थोड़ी सी दयनीय होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है, कितना ब्लड निकल गया। इसीलिए स्वाभाविक रूप से शरीर क्षीण होता है, कमज़ोर होता है। PNS, पाइलोनरल साइनस और भगंदर की चिकित्सा जो एक लॉन्ग ट्रीटेबल है, यानी कि लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, ऐसे में शरीर क्षीण होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए आहार डाइट पे विशेष ध्यान देना रहता है, जैसे कि वो जो क्षय हो रहा है उसकी फिर से पूर्ति हो सके, आप अपने डाइट से उसकी पूर्ति करें, इसलिए डाइट पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर आप उसकी चिकित्सा करा रहे हैं और वहाँ से ब्लड मिश्रित पस या ब्लड भी आ रहा है, उस घाव से आ रहा है, तो वहाँ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, और बिल्कुल भी ना घबराएं, निश्चिंत रहें, अपने चिकित्सक
अंडर में उसकी चिकित्सा कराते रहें इससे रोग, घबराने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों हर शनिवार को शाम 7 बजे हम आपसे लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक में जोड़ना है यूट्यूब पर। आपके मन में जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है सीधे हमसे यूट्यूब पर लाइव सेशन में आके हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर सीधे आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सब्सक्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर सीधे आपसे हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है पेड होगा, वहाँ पे फी पेड करना होगा आपको, तभी हम उस आपके उस रोग के बारे में, डिजीज़ के बारे में चिकित्सा और उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। और सीधे वैसे जुड़ना है दोस्तों तो आप हमसे लाइव क्लिनिक में ज़रूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।